आज रिव्यू करने वाली हूँ मैं अपटाउन एले के दो प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ पोर मिनिमाइजिंग जेल, इसके बारे में भी बताऊँगी। और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है ऑयल कंट्रोल जेल। ये दोनों की पैकेजिंग आप देख लीजिए। उसके अलावा मैंने इस वाइटनिंग फेस वॉश का भी किया हुआ है रिव्यू, सीरम का भी रिव्यू किया हुआ है। और अब हम जान लेते हैं इन दोनों जेल्स के बारे में कि ये कैसे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं पोर मिनिमाइजिंग जेल के बारे में। जिस तरह से लिखा हुआ है, पोर रिफाइंग जेल, और इसके जो इंग्रेडिएंट है वो जिंक है, नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड, अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। और ये पर्पल कलर का जेल है, एकदम से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये जान लेते हैं कि वाकई वर्क करता है या नहीं। तो जी हाँ, अगर आपके मसाम खुले खुले हैं, मेकअप करने के बाद भी आपके मसाम बंद नहीं होते हैं, सुराख सुराख से छेद छेद से फेस पे नज़र आते हैं, तो ये लगाने के बाद जो है फ़ौरन से आपके पोर्स हैं वो मिनिमाइज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये हमेशा का इलाज नहीं है, मतलब परमानेंट इलाज नहीं है। ये सिर्फ मेकअप से पहले ही मुझे सही लगता है, क्योंकि एकदम से पोर्स को मिनिमाइज़ ही कर देता है, श्रिंक कर देता है। तो जब आप बेस बनाते हो तो आपकी बेस जो है बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस लगती है, स्मूथ लगती है, क्योंकि जब स्मूथ कर देता है ना, सारे पोर्स को श्रिंक कर देता है, तो आपका जो स्किन का ऊपर का सरफेस होता है बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो बेस जो है बहुत अच्छे से लगती है। आपने क्या करना है, बस फेस पर आपने इसको अच्छे से अप्लाई करना है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, और 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है, ठीक है। तो ये जो है बहुत अच्छे से आपके सारे पोर्स को मिनिमाइज़ कर देगा, श्रिंक कर देगा। ये आप देख सकते हैं पर्पल कलर का जेल है, एकदम से अब्जॉर्ब हो जाता है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, कूलिंग सा इफेक्ट आता है इसके अंदर। जिंक है तो हील भी करता है अच्छे से आपके स्किन को, अगर रेडनेस है उसको भी ख़त्म करता है, क्योंकि नियासिनामाइड भी है इसमें। तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा ओवरऑल। बाकी बात कर लेते हैं ऑयल कंट्रोल जेल की कि ये कैसा। ये ब्राउन कलर का जेल है, प्लास्टिक का कंटेनर है दोनों। ये जेल भी ऐसा है कि एकदम आपके स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको लगाने का तरीका भी मैं आपको दिखाऊंगी, साथ साथ ये बता दूं कि ये कैसा है। तो ये अमेजिंग है, मतलब ये दोनों जेल मुझे बहुत पसंद है। आजकल तो मेकअप से पहले मैं इन्हीं को अप्लाई कर रही हूँ। तो जो समर में जो स्वेटिंग होती है, ऑयल आता है ना, तो ये आपकी बेस को बिल्कुल भी टस से मस नहीं करते हैं। जैसे कि मतलब ये समर्स हैं तो स्वेटिंग तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है, जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है ना उसी हिसाब से स्वेटिंग भी हो रही है। तो कितनी भी अच्छी आप फाउंडेशन लगा लो, फेस पे स्वेटिंग आती है, सारा मेकअप आपका निकल जाता है, वाटरप्रूफ होता है, उसके ऊपर भी आपको स्वेटिंग तो फील होती है। लेकिन इसके यूज़ के बाद जो मैंने नोटिस किया वो ये कि बिल्कुल भी स्वेटिंग आपको नहीं होती है, सारे ऑयल को ही कंट्रोल कर लेता है। और लगाना इसको यही है, पहले आपने पोर मिनिमाइजिंग जेल लगा लिया, अगर आपके मसाम खुले हैं, पोर्स जो ओपन है, तो आप वो अप्लाई करें, और अगर नहीं है तो फिर आप मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद डायरेक्टली ऑयल कंट्रोल जेल भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं ये दोनों जेल अप्लाई करती हूँ, मुझे बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। आजकल समर में तो ये मेरे फेवरेट प्रोडक्ट हो गए। कहीं अगर जाना है तो आप ये लगा लो, दिन में कहीं जाना है या रात में भी, इतनी ज़्यादा हब्स और गर्मी है कि रात में भी स्वेटिंग होती है, मतलब कहीं जाओ और बार बार फेस पर स्वेटिंग हो रही हो तो बिल्कुल खुद को भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये जो दोनों जेल है ना, ये अमेजिंगली वर्क कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं, उसको भी 10 मिनट छोड़ने के बाद जो है आप अपना बेस लगा लो, कुछ भी फाउंडेशन अप्लाई करो, बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आएगी, स्मूथ सरफेस हो जाएगा आपके स्किन का। तो प्राइस भी इसके कोई इतने ज़्यादा नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप आराम से वहाँ से परचेज कर सकते हो। उसके बाद अपनी कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करो, मैं यहाँ पर रिमल का टिंट अप्लाई करूँगी। तो मुझे अच्छे लगे इसलिए रिव्यू शेयर किया। पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।